सब्सक्राइब कीजिए काबूम टेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हम लोग कॉम्फर्म को कहां पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और इसका इस्तेमाल क्या होता है। अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। ओके, अभी देखो यहाँ पर देख सकते हो ये कॉम्फर्म अभी यानी कि लिखेबल नहीं है। तब सबसे पहले तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर एक नहीं, मेरे ख्याल से इधर दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे उसको यूज करने के लिए। तो सबसे पहले तो इसका सेगमेंट बढ़ा देता हूँ और इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ नॉइस, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देख सकते हो काफी ऊपर नीचे ये है, ठीक है। अभी इसके ऊपर अगर हम लोग कोई एक एक रोड जैसा जाते हैं, जैसे पहाड़ के ऊपर रोड जाता है तो ऊपर नीचे रहता है, एक जस्ट एग्जांपल, जैसे कि मैंने इधर पे कुछ एक रोड जैसा क्रिएट कर लिया। यहाँ पर इसके ऊपर एक लाइन से मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर इस लाइन के जरिए रोड ऐसे जाते हुए, ऐसे यहाँ से ऐसे घूम के, तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। ये रोड होना चाहिए अब लगता, अंदर की तरफ है। अभी इधर पे इसको करते हैं हम लोग थिकनेस देते हैं। थिकनेस देने के लिए हम लोग पास है, लोग यहाँ पर इसको कर सकते हैं रेक्टेंगुलर करके, रेक्टेंगुलर ले सकते हैं। रेक्टेंगुलर में रोड जैसा फीलिंग होना चाहिए, ओके। अभी इसमें सेगमेंट देख सकते हो बहुत कम है, इसमें सेगमेंट हम लोग चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो इसका इंटरपोलेशन है उसको मैं करता हूँ 32। यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर सेगमेंट्स बढ़ गए। ओके, मैंने इसका सेगमेंट देख सकते हो बढ़ा दिया हूँ। और सेगमेंट बढ़ाने के बाद अभी क्या है, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल थोड़ा कलर दिखता है थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके अंदर थोड़ा मैं देता हूँ ब्लू कलर, ओके, पता चल सके कि क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर सेगमेंट तो बढ़ गया, चलो नो प्रॉब्लम। थोड़ा इसका जो थिकनेस है बहुत मोटा है, यहाँ पर देख सकते हो, इसको हम कर देते हैं पतला। ये है इसका जो लेंथ है, ओके। फिर अभी इसके अंदर इसको कर देते हैं जो राइट क्लिक करके एडिट ओवर पॉली, पॉली में कन्वर्ट हो गया है ये। अभी मैं इस रोड को अप्लाई करूंगा इस प्लेन के ऊपर। अभी इतना उबड़ खाबड़ है तब भी जाके इसके अंदर प्रॉपर तरीके से आएगा। अभी देखो इसको हम लोग ऐसे फिक्स करने जाएंगे तो एकदम अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसा ये पहाड़ जैसा दिख रहा है वैसे ये रोड भी उसी की तरह फॉर्म में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे बताता हूँ, तो फिर देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पर करते हैं कॉन्फर्म। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, ये करना है कॉन्फर्म, फिर वर्क टू ऑब्जेक्ट। हम लोग को स्टेंस रखना है या फिर जो ये प्लेन है जिसके ऊपर क्लिक करके रखें वो स्टेंस होना चाहिए। अगर उसमें कुछ चेंजेस करें तो अपने आप ही ये भी चेंज होगा, ठीक है, करते हैं डन। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ कुछ जगह पर प्रॉब्लम आई है यहाँ पर, ठीक है, फिर से करते हैं। अभी यहाँ से कब से ही इसको करेंगे, अगर सबसे पहले तो इधर पर देख सकते हो कि ये जो प्लेन है छोटा है,
अब अपने करते हैं। अभी यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ गई। हम लोग करेंगे टॉप से, ठीक है। यहाँ से मैं करता तो क्या होता है कि ये इस तरह से फ्रंट से ले लेता है। अगर मैं टॉप से करूँ तो ये प्रॉपर तरीके से होगा, मैं टॉप से करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर क्लिक किया, कंफर्म में गया और करता हूँ टॉप पे क्लिक। अब देखो प्रॉपर तरीके से आ गया। देखो ऐसे करने से क्या होता है, अगर आप ऐसे एंगल में लेके इसको कंफर्म करोगे उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे देखो इसका शेडो देख सकते हो, हम लोग का शेडो कैसे कर रहे हैं ऐसे। अगर मैं ऐसे में कंफर्म करूँ तो क्या होगा, वैसे वो अटैच करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसके साथ में अभी यहाँ पर देख सकते हो, वैसे ये देखो उस तरफ वो अटैच करना स्टार्ट किया। अगर मैं इसको जिस तरीके से रखा उस तरह से वो अटैच करेगा, ठीक है। इसलिए बेस्ट रहेगा, तो इसके अंदर ज्यादा एरिया आ रहा है, पूरी तरीके से पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से अभी इसको टॉप से ही करना चाहिए, ठीक है। तो अभी टॉप से करूँ, देखो प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएगा, तो फिक्स हो गया, ओके डन। फिर अभी यहाँ पर देख सकते हो कि इसका मैंने स्टेंस निकाला था जो प्लेन का, यहाँ पर देख सकते हो। और ये है ना प्लेन, ओके। यहाँ पर देख सकते हो कंफर्म तरीके से, काफी अच्छी तरीके से ये इसके ऊपर फिक्स हो चुका है, बेहतरीन तरीके से फिक्स हो गया है। इसको हम लोग चाहे तो अलग से फ्री टेबल कॉली करके फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फेस को जैसे सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फेसेस सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसको करेंगे रिंग, फेस शिफ्ट प्रेस या कंट्रोल प्रेस करके, तो कंट्रोल प्रेस करके पूरे पूरे जो शेप्स हैं पूरे पूरे सिलेक्ट हो गए। फिर इसको हम लोग चाहे तो खींच सकते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, ओके डन। तो इसको हम लोग चाहे तो इसको कर सकते हैं हम लोग एक्सट्रूड, एक्सट्रूड से प्रॉपर नहीं हो रहा है। अगर हम लोग करेंगे फेस एक्सट्रूड, तो इधर चलते हम लोग देख लेते हैं फेस एक्सट्रूड, फेस एक्सट्रूड ये ले, फिर अमाउंट बढ़ाते ये देखिए इसका जो फेस है वो एक्सट्रूड हो रहा है। इस तरीके से देख सकते हो। अभी बोलोगे कि ये अलग कलर होना चाहिए, अलग कलर, हम लोग चाहे तो अभी यही प्लेन को, जो ये प्लेन है, इसी प्लेन को इसके ऊपर रख के प्रॉपर साइज में लेके इस तरीके से इसको रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ मॉडिफाई भी करूँ तो अपने हिसाब से वो मॉडिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टेंस लिया था, आपको पता होगा। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ तो ये देखिए पूरा पूरा जो प्लेन है और इसका जो शेप्स है उसके हिसाब से मूवमेंट ले रहा है, ठीक है। ये देखो क्योंकि मैंने स्टेंस लिया था, तो जो भी मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ इस प्लेन के ऊपर, जो ये प्लेन है तो उसके ऊपर भी वही इफेक्ट, ठीक है। और अगर मैं इसको करूंगा स्मूथ, स्मूथ, तो इस तरीके से देखो ये भी काफी स्मूथ तरीके से इसको अटैच कर लिया सी, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं चाहूँ तो इसके अंदर और भी बड़े बड़े वेव अगर मेरे को चाहिए थे तो मैं वेव को अगर चेंज करूंगा, जैसे ऐसे अगर मेरे को काफी ऊपर नीचे चाहिए, देखो ऊपर नीचे करो, देखो ये भी इसका जो ये है हम लोग का जो ये कंफर्म किया था ये भी प्रॉपर तरीके से उसी तरह वेव में जा रहा है, ठीक है। तो ओके, तो आपको समझ आ गया कि कंफर्म कहाँ पर यूज कर सकते हो। कंफर्म हम लोग चाहे तो जैसे ऐसे कुछ ही रोड है, उधर पे कुछ धागे पड़े हुए हैं, कोई रोड ऐसे बनाना है तो रोड भी बना सकते हो, या फिर कोई सरफेस है उसके ऊपर कुछ गिरा हुआ है और कोई कपड़े जैसे चीज, तो उसको भी ऐसे रिबिन जैसे चीज हो सकती है, तो उसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि वो भी प्रॉपर तरीके से शेप में आ गया है प्रॉपर, ठीक है। या फिर हम लोग
एक और जगह पे यूज कर सकते हैं मेरे ख्याल से, जैसे किसी के फेस के ऊपर हम लोग को ऐसे कुछ दिखाना है डिजाइन शेप आते हुए, ठीक है उस जगह पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है जैसे कि ऐसे स्क्रैच आता हुआ, ऐसे स्क्रैच आ गया है ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर ऐसे कपड़े के ऊपर, जैसे कि हम लोग कपड़े के ऊपर ऐसे लगाते हैं कुछ डिजाइन, वो हम लोग डाल सकते हैं, या फिर ऐसे ही जो रोड है काफी अच्छी तरह से आगे गया, इसके अंदर जाके थोड़ा सा एक और हम लोग इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पानी का इफेक्ट होता है पानी के अंदर, जैसे कि एक ऐसे इफेक्ट हो जाता है, तो जिसके अंदर नॉइज मैंने अप्लाई किया हूँ, नॉइज को अगर मैं एनिमेट करूंगा, जैसे इसमें एनिमेट नॉइज है, क्लिक करते ही ये नॉइज एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम लोग प्ले करके देख सकते हैं, अभी देखो प्ले करेंगे, क्योंकि ये मैंने इंस्टेंस किया था तो ये देख सकते हो जैसे लग रहा है कि कोई रिबिन है गिरा हुआ नदी में, तो वो तैर रहा है साथ में, ठीक है, ऐसे ही आप कोई क्लोथ को ऐसे दिखा सकते हो, क्लोथ है या फिर क्लोथ को आप ऐसे कर सकते हो, या फिर किसी जो पत्ती होती है प्लांट की, जो क्या बोलते हैं लोटस की क्या बोलते हैं लीव्स होती है, उसको भी आप ऐसे कंफर्म करा के उसको भी इस तरह से इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है, यानी कि ये काफी आसान हो जाता है, काफी कंफर्ट को बहुत जगह पे यूज किया जाता है, उसको अगर आप जहां पर सोचोगे वहां पर आप यूज कर सकते हो। कंफर्म, ओके, कंफर्म के बारे में समझ में आ गया आपको, ओके, तो फिर अगर आपको ये पसंद आया तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि हम लोग कंफर्म कैसे यूज करते हैं 3D Max के अंदर, उसका यूज क्या होता है। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग, तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।